दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ। साल का आज पांचवा दिन है, आज है 5 तारीख और मैं हूँ नानू ओया में। नानू ओया और नुवारा एलिया पास पास में है। नानू ओया स्टेशन इधर था मेरे होटल के ठीक सामने, और वो देखिए वो सब की स्टेट्स हैं यहाँ पर। तो अभी मैं जा रहा हूँ नुवारा एलिया। मुझे पहले लग रहा था कि नानू ओया और नुवारा एलिया सेम है, लेकिन वो अलग अलग है। मैंने कल होटल यहीं ले लिया था क्योंकि बहुत थक गया था। तो अभी मैं जाऊँगा बस में या टुक टुक में नुवारा और एलिया, फिर वहाँ से जाऊँगा सीता माँ टेम्पल, जहाँ पे सीता माता जब भी यहाँ रही हैं तो रोज़ पूजा करती थी। तो और वहाँ पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी है, तो दोनों कवर करूँगा। और वो पैरों के निशान उसी मंदिर में ही है, और एक और कवर करूँगा ग्रेगोरी लेक अगर टाइम मिला तो, क्योंकि मेरी 12:40 की ट्रेन है यहाँ से नानू ओया से एला की, तो उससे पहले मुझे वापस भी आना है 12 बजे तक। अभी बज रहा है 9:15, तो अभी चलते हैं। और ये मेरा होटल है, ट्रेन व्यू होटल, छोटा सा होटल है। 1000, जैसे कल बताया 1000 रुपये में मुझे रूम मिल गया था, सिर्फ रात ही बितानी थी तो मैंने ले लिया। और ऐसे ही यहाँ से स्टेप्स है, यहाँ से दिख नहीं रही, मैं आगे चल के दिखाता हूँ। ये गांव है नानू ओया का, तो गांव के बीच में रहना भी एक अलग एक्सपीरियंस है। वो ईडनबर्ग टी एस्टेट है, बहुत फेमस है, वहाँ पे चाय वगैरह भी मिलती है, आप जाके वहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो, स्नैक्स चाय एंजॉय कर सकते हो। यहाँ से कुछ 700 मीटर है, नीचे बस रुकी हुई है, ऐसी बसेज लेके जाएंगे आपको नुवारा एलिया। नुवारा एलिया यहाँ से 7 किलोमीटर है, और सीता अम्मा कोविल जो सीता अम्मा का टेंपल है जहाँ पे वो पूजा करती थी, वो है 12 किलोमीटर। तो 2 बस चेंज करनी पड़ेगी, तो देखता हूँ मैं क्या ऑप्शन है। अगर टुक टुक सही रास्ते रेट में मिल जाता तो टुक टुक कर लेंगे, नहीं तो बस से ही जाएंगे। तो ये स्टेप्स चढ़ के मैं ऊपर होटल में गया था मेरे, और पोस्ट ऑफिस बगल में ही है, इसका लैंडमार्क है पोस्ट ऑफिस, नानू ओया पोस्ट ऑफिस। ये देखिए ये मेन रोड आ गए, और यहीं से बस होती है। धूप निकली हुई है दोस्तों, रात को ठंडी लग रही थी और सुबह भी नहाने के लिए बहुत ठंड लग रहा था, गर्म पानी से नहाया हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये प्राइमरी के हेल्थ केयर हॉस्पिटल है, घर नहीं है, और इसी के नीचे मेरे ख्याल से ये रास्ता भी स्टेशन की तरफ जाता है। तो ये नुवारा एलिया बस स्टैंड, बस यहाँ पर रुकी है, और ये नुवारा एलिया पोस्ट ऑफिस, और गौतम बुद्ध का टेम्पल बहुत बड़ा स्टैचू है। तो ये हिल स्टेशन का पूरा फील आता है, ऐसे लगता है किसी और कंट्री में आ गया। बहुत प्यारी सिटी है ये, और मैं जा रहा हूँ थोड़ा ब्रेकफास्ट करने, कुछ खाया नहीं है सुबह से उठा हुआ तो कुछ खाया नहीं है। यहाँ पे एक वेज रेस्टोरेंट है अम्बल्स, और चलते हैं ऑन द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ये तो पूरा फॉग है, बहुत प्यारा व्यू है दोस्तों। दिस इज़ द ओनली वेज ऑप्शन, वेज रेस्टोरेंट इन नुवारा एरिया फॉर ऑल द वेज पीपल, और अच्छा है, बहुत रनिंग है रेस्टोरेंट, फ्रेश फूड यू गेट, तो फेमस है यहाँ पर। वॉज द होटल अम्बाज, अम्बाज ओके।
फुल बिल हुआ 400, मसाला डोसा 250, सादा डोसा 80 एंड टी 370 रुपीज़, टोटल 400 एग्जैक्टली। तो नाश्ता कर लिया, अभी बस के लिए चलते हैं, सीता माँ टेम्पल की तरफ जाना है, तो वहाँ से वहाँ के लिए बस लेते हैं। बस है 46 में लिखा हुआ है, ये जाएगी सीता माता टेम्पल की तरफ, तो 10:35 निकलेगी, अभी 10:25 हो रखे हैं, तो 10 मिनट में निकलेगी। तो इन बस में बैठ गए हैं, 46 रुपीज़ टिकट है श्रीलंकन मनी, द्वारा एलिया बस स्टैंड से सीता एलिया सीता अम्मा टेम्पल, तो 15 मिनट दिखा रहा है गूगल मैप में, लेकिन बस ज़्यादा लेगी क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता है और बड़ी बस है, तो हो सकता है ये 20-25 मिनट ले लें। ग्रेगोरी लेक आपको बस से ही दिखा देता हूँ, पहला वापसी का। सीता माता कोविल जिसको बोलते हैं, और काफ़ी हिंदू टूरिस्ट यहाँ आते हैं, और हमारे लिए बहुत ही सीक्रेट जगह है। सीता माता ने यहाँ 11 महीने इस मंदिर आती थी और पूजा अर्चना करती थी श्री राम की याद में, और ये पहाड़ी तो
काफ़ी बहुत ही प्यारा सा मंदिर है, मेन रोड पे ही है। बस ने करीब 11 बज रहा है, 10:35 पे बस चली थी, अगर लो आप 5 मिनट को आगे भी हो गया, 20 मिनट दिए है बस में, तो अभी अंदर चलते हैं। सीता माता टेम्पल यहाँ पे इसको अशोक का सीता माता का अशोक सीता अलिया मीनिंग विद सीता लाइटिंग और हनुमान सीता माता अशोक। तो यहीं पे हनुमान जी आए थे और यहीं पे एक जगह है जहाँ पे उन्होंने हनुमान जी को मुद्रिका दी थी और ये ही अशोक वाटिका है, ये पूरा आसपास का एरिया, और इसी मंदिर में सीता माता आके पूजा अर्चना करती थी। पीछे एक रिवर है जिसको सीता रिवर बोलते हैं, वहीं पे वो आके वो सीता माता स्नान करती थी और यहाँ पे आके पूजा अर्चना करती थी। तो हमारे लिए बहुत सेक्रेट प्लेस है, मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ और बहुत अत्यंत अच्छा लग रहा है। रामायण के बाद यहाँ आना मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और बहुत प्यारा सा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, हिंदू मंदिर। तो दोस्तों यहाँ डोनेशन देना बनता है क्योंकि इन्होंने हमारी विरासत को संभाल के रखा है इतने सालों से और ये मंदिर चला रहे हैं श्रीलंका कंट्री में, तो बहुत ही कुंकुम अर्चना आरती पूजा टिकट ओके कुंकुम अर्चना ओके आरती पूजा टेली ऑल फैमिली मेंबर्स नेम एंड गोत्र ओके ओके व्हेन व्हेन द पूजा हैपन नाउ सर नाउ नाउ ओनली 5 मिनट ओनली ओके हाउ मच फॉर इट 100 रुपीज 100 इस इंडियन मनी No, Sri Lankan currency. Very good. Okay, I'll do that. Okay. And I'll do donation also. This is our temple. Simple Sonia. Ashok Vatika, Sita Mandir. Okay. Ram Pattabhishek feature. Sri Lankan money 2,000 rupees. Take one. This is for... Okay. This is some... टेम्पल रेनोवेशन डोनेशन यस सर। सो आप डोनेशन के रूप में ये सोविनियर ले सकते हैं, 2,000 श्रीलंका रुपीज़ का है और एक यादगार भी रहेगा कि आप अशोक वाटिका में आए थे, तो ये सोविनियर एक 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 श्रद्धा भी हो जाती है हमारी। श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान राम सीता लक्ष्मण How old is it? I think indicating more than 2,000 years old. Temple. And Sita Mata is to sitting here? Yeah, meditate place this mandir. Which place on this mandir? This one, that one? This one, sir. This place, yes, sir. Sita Mata here meditate karti thi. That time which murti is to there? Middle one, Sri Ram, Lord Sri Ram. Who made the murti? ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಜನ ನಮ ನಮಾಮಿ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇ ದೇ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಗತ್ತ ನಾಮ ದತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮ ನಾಮಂ ಪರಾಣಮೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇ ದೇ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಜಗತ್ತ ನಾಮ ದತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮ ನಾಮಂ ಪರಾಣಮೇ।
Rama Rama Rami Dim Rami Rami Manoramim Jagasya Nama Dattulyam Rama Nama Rami Dhriman Rama Chasyam Prahumurti Pari Gurna Sivadayam This is a Sita Mata bathing place, sir. Okay. The name Sita River. Okay. Sita Waterfall and Sita River. This, okay, this total area is Asokwatic area. Asokwatic. Asokwatic is around 3 kilometers area. Okay. This is Asokwatic. 11 months Sita Mata is staying in this area. Where she is to stay? Her home. This is the place, sir. This is the place? This is the place. Okay. That time is a very forest jungle area. Right. Aquatic right. area. Right. After it is covered. Yeah. This is a real footprint. So big point. Yes, sir. Shall we go there? Yes. तो वो जो माउंटेन है वहीं पे हनुमान जी ने श्रीलंका में प्रवेश किया था, वहाँ पे जंप किया था वो माउंटेन पे, और थोड़ा सा ऐसा देखेंगे तो वो फेस लगता है श्री हनुमान जी का उस माउंटेन पे, उनकी उनकी छवि वहाँ दिखती है और मुझे ऐसा लग भी रहा है। यह जीव राजा है, यहाँ के मैनेजर हैं मिस्टर जीव राजा, तो आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं एंड बहुत इन्फॉर्मेशन है इनके पास। और यहाँ आए तो डोनेशन जरूर कीजिए दोस्तों। ये रिवर है, सीता रिवर, हनुमान जी के। वाह, मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ, क्या बताऊँ आपको, यहाँ के जीवन सफल हो गया ऐसा लग रहा है। ये देखिए, ये सब सुनने हनुमान जी के, और मैं नमन करता हूँ। और यहीं पे स्टैचू बने हुए, यहीं पे सीता माता ने मुद्रिका दी थी हनुमान जी को, आप देख सकते हैं यहीं पे सीता माता ने मुद्रिका दी थी हनुमान जी को अपने श्री राम को देने के लिए, और ये उनके पद के निशान है, पैरों के निशान है। बहुत ही प्यारी जगह अशोक वाटिका, मजा आ गया। और वो लैंड हुए थे वहाँ पे, उन्होंने जंप लगाई थी श्रीलंका में आने के लिए, वो तो क्या नहीं कर सकते थे, बजरंग बली हनुमान जी। तो अभी चलते हैं, 11:20 हो रहा है, और यहाँ से मुझे वापस जाना है नानू है। नानू है डायरेक्ट बस तुम है? नो आ रही है ना, मेरा ट्रेन है तो ये बस लेगी 15-20 मिनट नुआरा लिया, और नुआरा लिया से नानू आया अगेन 20 मिनट, तो 40 मिनट में मैं पहुँचा हूँ अपना वाटर 40 मिनट रास्ते। अभी बज रहा है 11:25, तो मेरे पास है 1 घंटा 10 मिनट।
चारा करती है। बड़ी लेक है और आप बोटिंग कर सकते हैं, पैडल बोट है, स्पीड बोट है, बड़ी बोट है जिसमें बहुत से लोग आते हैं, सात आठ लोग, वैसे भी है ग्रुप बोट। अगर आप ले, आपको पानी पसंद है, लेक पसंद है, तो इसके आसपास का भी होटल आप चुन सकते हैं। ये बीच में पड़ेगा नानू द्वारा एलिया से सीता एलिया के बीच में। नुआरा एलिया यहाँ से दूर नहीं है, रघुवी लेक से कुछ 2 किलोमीटर ही है, 2-2.5 किलोमीटर। दोस्तों आ गया हम अपने बस स्टॉप पे। ये सामने प्राइमरी हेल्थ सेंटर और पोस्ट ऑफिस और यहीं से जाने के लिए बस और अभी जा रहा अपने सेंटर में। तो बज गए 12:05 और 12:40 की ट्रेन में हम अपना बैग पैक करके निकलते हैं स्टेशन की तरफ, नानू गोवे स्टेशन। ये होटल कुछ ऐसा उधर वाइट कलर का और ये सीढ़ियाँ चढ़ के जाना, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। करा देता हूँ कुछ ऐसे कमरे टॉयलेट अटैच है। ये 2000 रुपये का बोल रहा था और मेरा 1000 रुपये का है, उसमें टॉयलेट अटैच नहीं है, बस वही फ़र्क है। मेरा बैग और आज है 5 तारीख और आज की मेरी ट्रेन है नानू यहाँ से एला की। मिलते हैं आपको स्टेशन के पास।